हाय गाइस, मेरा नाम वीरेंद्र है और आज मैं हिसार के अंदर जैन डीलरशिप के अंदर जो कि रॉयल इनफील्ड की रहने वाली है और आज मैं उसको दिखाने वाला हूँ। इन दो शानदार बाइक के बारे में कंपैरिजन करेंगे, बताएंगे आपको ना इन दोनों में से आपके हिसाब से कौन सा बेस्ट है और दोनों में आपको ना क्या अंतर मिलता है वो आज मैं उसको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो अगर आप मेरे चैनल में पहली बार हैं तो प्लीज़ आप मेरे को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। गाइस पहले देखेंगे हम सिंपल वाले की तरफ जो कि है 350 स्टैंडर्ड। इसके अंदर हमें क्या मिलने वाला है आप देख रहे हैं, इसमें ना हल्का सा ना क्रोम का यूज़ है किया गया, लेकिन यहाँ पे आपको ना क्रोम का यूज़ कम से कम है। इसमें भी है क्रोम का यूज़, इतना नहीं है लेकिन जितना आपको इसमें मिलता है इसके ना थोड़ा उससे ना थोड़ा कम क्रोम का यूज़ है वो किया गया है क्रोम का, ठीक है। तो चलिए आपको पहले हम देखते हैं इसकी तरफ। तो इसके अंदर में जो बाइक के मिरर्स है ना इनके अंदर कोई बदलाव नहीं है, दोनों में आपको सेम मिलेंगे मैट फिनिशिंग के साथ। और अगर मैं एक बार आपको दिखाऊँ कि आपको फिनिशिंग आपको कैसी मिलेगी, तो ऐसे कुछ आपको मिलने वाला है दोनों की तरफ। और दोनों आपको जो साइज़ के मामले में बात ना कही हो कि अगर मन में ये डाउट हुआ कि दोनों का साइज़ में कोई अंतर है क्या नहीं है, तो आपको जो साइज़ मिल रहा है वो भी आपको सेम मिलने वाला है, ठीक है, उसमें कोई बदलाव नहीं है। इनके नीचे आते हम इसके ना टाइगर लैम्प की तरफ, तो जो टाइगर लैम्प है ना बाइक के आपको वो भी सेम मिलने वाले हैं। अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं इनके सराउंडिंग भी आपको ना यहाँ पर क्रोम मिल रहा है। और अगर हम यहाँ पे आते हैं एक्स की तरफ, यहाँ पे भी आपको नए क्रोम मिलने वाला है जो टाइगर लैम्प है इनके ऊपर। तो गाइस जो टाइगर लैम्प है ना बाइक के इनके अंदर कोई बदलाव नहीं है, दोनों में आपको सेम मिलेंगे। हम बात करते हैं इसके जो हेडलैम्प डिज़ाइन को, तो जो बाइक के हेडलैम्प है ना वो भी आपको सेम मिलेंगे, उनके अंदर भी मेरे हिसाब से कोई बदलाव नहीं है। अगर मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ तो गाइस इनके अंदर आपको सिंपल बल्ब मिलेंगे दोनों के अंदर, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ। तो अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं तो इनका लुक कुछ ऐसा आएगा, दोनों में आपको ना सेम मिलने वाले हेडलैम्प। लेकिन अब जो बदलाव क्या है, जो मेजर बदलाव है जो मुझे लगता है कि आप दूर से इसको पहचान लोगे कि यार ये कौन सा बाइक जा रहा है, वो है इनके इंडिकेटर्स। हाँ जी गाइस, मैं आपको सही बता रहा हूँ कि जो इंडिकेटर है ना उन दोनों में काफ़ी अच्छा बदलाव किया गया है और बाइक के ऊपर वो गाइस वो दोनों बाइकों के ऊपर वो सही फिट भी बैठ रहे हैं। वो कैसे कि जैसे कि अगर हम एक बार जो सिंपल वाला बाइक है स्टैंडर्ड इसकी तरफ आते हैं, तो यहाँ पर आपको ना इंडिकेटर के बैक साइड में आपको यहाँ पर क्रोम है ये मिल रहा है। अगर आप इसको यहाँ पे नोटिस कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे ये क्रोम है ये मिलने वाला है। लेकिन ना अगर हम उसकी तरफ आते हैं वहाँ पे आपको ना क्रोम है वो नहीं मिलेगा, आपको यहाँ पे ये मैट फिनिशिंग आपको ये मिलने वाली इंडिकेटर के बैक साइड में जो कि आप ये देख रहे हैं। और जो कैप दिए गए ना इंडिकेटर के ऊपर इसके अंदर भी बदलाव है, तो अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं कैप के अंदर इनके अंदर भी बदलाव किए गए हैं। और ऐसे कुछ आपको ये मिलेंगे इंडिकेटर्स। और इसके नीचे आते हैं बाइक के शॉकर के बारे में बात करें, तो दोनों बाइकों के अंदर आपको सेम शॉकर मिलेंगे। ब्रेकिंग है ना आपको वो दोनों में सेम मिलेगी, ब्रेक्स भी फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक, बैक में आपको ड्रम ब्रेक मिलने वाले हैं, ABS दोनों बाइकों के अंदर ABS मिलेगा। लेकिन गाइस जो बदलाव है वो क्या है जो ये बाइक के जो टायर्स हैं दोनों में, तो पहले हम देख रहे हैं जो ये एक्स की तरफ, तो यहाँ पर अगर आप नोटिस कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर ये मैट फिनिशिंग आपको ये मिलने वाली है, ठीक है, ये टायर के ऊपर। लेकिन अगर हम इसकी तरफ आते हैं स्टैंडर्ड की तरफ, इन आपको यहाँ पे ये क्रोम जो ये रिम है आपको ये मिलने वाला है, क्रोम का रिम में आपको ये मैट फिनिशिंग के साथ और यहाँ पे आपको क्रोम। तो जो फ्रंट से बदलाव क्या किए थे इंडिकेटर और जो टायर का जो लुक है आपको उसमें बदलाव किया गया है फ्रंट से दोनों बाइकों के अंदर। मैं उम्मीद करता हूँ आपने सारी इन्फॉर्मेशन है वो जान ली होगी कि आपको दोनों में क्या बदलाव है फ्रंट से। अगर हम बात करते हैं दोनों बाइकों की साइड से, तो आपको साइड से क्या मिलने वाला है उसके अंदर भी काफ़ी अच्छा बदलाव किया गया है। अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं तो मुझे साइड से कौन सा बाइक अच्छा लगा, वो है ये सिंपल वाला स्टैंडर्ड। इसमें मैं क्यों बोल रहा हूँ दोनों बाइकों के ना ये फ्यूल टैंक के ऊपर, तो फ्यूल टैंक के ऊपर क्या बदलाव है आपको मैं पहले वो बताऊँ। तो पहले हम देख रहे हैं एक्स की तरफ, तो गाइस यहाँ पे आपको ना सिंपल मिल रहा है, बस आपको एक स्टिकर मिल रहा है अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं, जो कि यहाँ पे आपको ब्रांड का यहाँ पे शो कर रहा है ये रॉयल इनफील्ड, अगर आप यहाँ पे नोटिस कर रहे हैं। लेकिन अगर हम उसकी तरफ की बात करें यहाँ पे आपको ये कुछ अलग मिल रहा है उससे, अगर आप इसको देख रहे हैं तो यहाँ पे आपको ना क्रोम का यूज़ है ये किया गया है। और जो ये फ्यूल टैंक के ऊपर जो ये आपको ये थोड़ी ये पट्टी सी दी गई है या ये गोल्डन स्ट्रिप आपको दी गई है, और ये गाइस जो ये डिज़ाइन दिया गया ना ये सिंपल में ये अब से नहीं है, जब से ये बाइक आया ना जब से यही आपको डिज़ाइन ये कैरी किया गया है। और ये एवरग्रीन जो ये लुक है आपको इस बाइक का मिलने वाला है और यहाँ पे आपको ब्रांड का लोगो ये मिलने वाला है। तो अगला बदलाव क्या गया, अगर आप इसके हल्के से नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पे आपको ये सिल्वर मिलने वाला है, ठीक है, और साथ में आपको यहाँ पे मैट फिनिशिंग। लेकिन यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है,
आपको यहाँ पे पूरा ही जो EFI 350 दिया गया आप यहाँ पे देख रहे हैं, लेकिन आपको इसके सराउंडिंग अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं इसके ऊपर आपको यहाँ पे मैट फिनिशिंग साथ आपको मिलने वाला इस बाइक के अंदर, आपको इस बाइक के अंदर आपको ये नहीं मिलेगा, आपको यहाँ पे सिल्वर मिलने वाला इस बाइक के अंदर दोनों तरफ। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ कि इस तरफ से कुछ क्या फिर अलग हो, नहीं, जैसे कि आपने वहाँ पे देखा और यहाँ पे कुछ ऐसा इसका डिज़ाइन है मिलेगा, तो ऐसे कुछ आपको मिलेगी साइड से और भी अच्छा खासा बदले बढ़ते अगले बदलाव की तरफ। वो क्या है कि अगर आप जो टूल की टेस्ट को देख रहे हैं दोनों बाइकों की, तो इसके अंदर क्या बदलाव है, अगर हम पहले आते हैं हम सिंपल वाले की तरफ, तो यहाँ पे गाइस आपको कुछ अलग जो ग्राफिक्स है ये मिलने वाले हैं, लेकिन आपको यहाँ पे कुछ अलग मिलेंगे, दोनों में अलग मिलने वाले। तो करें तो यहाँ पे आपको ये बस ये क्रोम की फिनिशिंग साथ आपको ये ब्रांड का लोगो ही मिलने वाला है, बुलेट 350, ठीक है, जो कि आपको ये फ्यूल टैंक के ऊपर मिल रही थी। अगर हम इस तरफ आते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको सिंपल स्टिकर मिल रहा है बुलेट 350, लेकिन आपको यहाँ पे ये क्रोम का यूज़ है ये किया गया है। तो अगर हम दोनों बाइकों की सीट की बात करें तो आपको सीट है ना, आपको दोनों में सेम मिलेगी, इनके अंदर कोई बदलाव नहीं है। तो अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं कुशनिंग वाइज आपको सेम मिलेगी, इनके अंदर आपको कोई बदलाव नहीं मिलेगा। अगर हम दोनों बाइकों की बैक साइड की तरफ आते हैं तो आपको बैक साइड से क्या बदलाव है, अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे एक्स की तरफ, तो इसके जो बैक साइड में आपको यहाँ पे मैट की फिनिशिंग आपको मिलने वाली है, लेकिन गाइस जो लोगो है ना आपको वो यहाँ पे ये वाइट में मिलने वाला है, वाइट कलर में अगर आप इसको देख रहे हैं। लेकिन अगर हम इसकी तरफ बात करें यहाँ पे आपको ये गोल्डन में मिलने वाला है, ठीक है, गोल्डन कलर में। और जो इंडिकेटर है, जो बैक साइड के जो इंडिकेटर है ना, इनके सराउंडिंग आपको यहाँ पे ये क्रोम में मिलने वाला है, ठीक है, उसमें आपको मैट कलर, यहाँ पे आपको क्रोम कलर। और जो बैक की टेल लैंप है ये भी आपको सेम में मिलने वाला, कोई बदलाव नहीं है, ये आपको सेम में मिलेंगी। तो ऐसी कुछ ही आपको मिलेगी। और आपको दोनों बाइक्स के अंदर आपको सेम सेंसर है वो मिलेंगे। वो क्या है कि मान लो कि अपना का स्टैंड है वो ओपन कर दिया, अपना ठीक से क्लोज नहीं कर पाए, तो उसके लिए आप कंपनी ने आपको क्या दिया, अगर आप बाइक के ना गियर लगाते हो और स्टैंड है ना बाइक का वो ओपन है प्रॉपरली, वो क्लोज नहीं है, जैसे कि मान लो ये स्टैंड है ये इतना ओपन है, ठीक है, इतना ओपन रह गया, बाइक आपको उधर ही ऑफ होने वाली है, आगे नहीं बढ़ेगी आपकी बाइक। ये काफ़ी अच्छा एक सेफ्टी फीचर है जो कि आपको इसके अंदर मिलेगा, आपको दोनों बाइक्स के अंदर आपको मिलने वाला है। ये नहीं कि आपको ना सिंपल मिल रहा है उसमें नहीं मिलेगा, आपको दोनों बाइक्स के अंदर आपको ही मिलने वाला है। तो बात करते हैं अगला सेंसर, वो क्या है कि पहले वाले बाइक क्या होया करते कि आप ना उनके अंदर जो सेंसर है वो चेंज करवा करते आफ्टर मार्केट, लेकिन आप इसके अंदर ये चेंज नहीं करवा सकते। वो क्यों है, वो क्या कारण है कि अब वाले जो बाइक के अंदर आपको एक ये सेंसर दिया गया है यहाँ पे, अगर आप इसको यहाँ पे देख रहे हैं, तो इसके कारण क्या होता है कि ये जो साउंड पोजीशन है आपको बाइक कम से कम आपको देगा, मतलब कि साउंड पहले वाले बाइक थे वो काफ़ी साउंड किया कर दे, लेकिन अब वाले बाइक आपको काफ़ी कम आपको साउंड है वो करने वाले हैं, ना के बराबर ही। मुझे काफ़ी अच्छी बात लगी इस बाइक की कि आपको साउंड के मामले में काफ़ी अच्छी बात है। और गाइज फिलहाल तो कंपनी ये बोल रही है आप आफ्टर मार्केट साइलेंसर वो चेंज नहीं करवा सकते। अगर आपका मन कर रहा है कभी मैं साइलेंसर वो चेंज करूँ, जो आपकी वारंटी है उनके अंदर आपको प्रॉब्लम आएंगी और जो बाइक का जो इंजन है उसके अंदर भी आपको कोई दिक्कत आने वाली है। तो ये काफ़ी अच्छी ये बात है दोनों बाइकों की जो कि आपने भी देखी। तो ऐसा कुछ आपको दोनों बाइक से मिलने वाले हैं। बताना कि आप मुझे कि आपको इनमें से आपका फेवरेट बाइक है वो कौन सा लगा, जानते हैं इनसे इनका नाम क्या है, फ़ोन नंबर क्या है और इनका शोरूम की लोकेशन क्या है। जतिन है मेरी शोरूम की लोकेशन, नियर शीश महल जैन ऑटोमोबाइल्स। अगर आपको कोई भी बाइक लेनी हो, कोई भी इंक्वायरी हो रिगार्डिंग टू बाइक एंड एसेसरीज, तो आप मेरा नंबर है 7419855336। आप इस पे ऑफिस टाइमिंग में 9 to 6 कॉल कर सकते हैं। आपको कोई भी इंक्वायरी हो मैं आपका वो सॉल्व करने की एट ए टाइम कोशिश करूँगा। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, क्या फिर आप मेरे को सब्सक्राइब करना, ठीक है। और आपने अभी तक मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया था, फॉलो कर लो, देख क्या रहो आपकी स्क्रीन पे मेरा नज़ारा है। और गाइज मैं मिलूँगा आप सभी से कल एक नई वीडियो के साथ, और बताना कि आपको ना अगली वीडियो किस टॉपिक पर देखें, ठीक है, बाय बाय।